यानी वो धंधे बाजारी किसी की नहीं है। 40 साल वहाँ रही, उसको अपना देश प्यारा नहीं, देश के लोग प्यारा नहीं, भाई बहन प्यारा नहीं, सबसे नफरत है, सबके बारे में इतना गंदा बोलती है। यहाँ हिंदुस्तान से 2 दिन में प्यार हो गया और झंडे लहरा रही है गंदे हाथों से। ये तो एक इसका, एक बहन मेरी, ये तो एक इसका ना यहाँ पे रहने का जरिया है कि मैं तो पाकिस्तान में बहुत बदनाम हो गई, मेरे तो यारों को पता चल गया, मेरे तो इतने 70 यार थे, इतने ये थे। ये सोचती है लप्पू ही सही, थरकी सही, सड़ा हुआ सही, बुढ़ा सही, इसके सारे रह लूंगी, जैसा होगा सड़ा 36 गुणों का एक बच्चा पैदा कर लूंगी जिसमें 36 गुण होंगे, तो इसने ये सोच लिया। और इसकी बहुत इच्छा थी ना कि मैं भारत की जेल में भी रह लूंगी, चिंता ना कर तेरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे, तेरे को भारत की जेल में रखवाएंगे। भारत की जेल में बोल, खुद ही बोलती है ना, मेरे को जेल में रखो, मैं इलीगल तरीके से आई हूँ ना, मेरे को सजा काट लूंगी, मेरे को जेल में रखो, पर मुझे वहां नहीं भेजना क्योंकि वहां के लोग मुझे काट के फेंक देंगे, मेरा ऐसा हशर करेंगे। ना ना कोई नहीं काटता बहन मेरी, देखो आपके मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, सुनो हाँ, आपके मेरे से बोलने से कुछ नहीं होता है, वो हमारी सरकार को पता है, हमारे कानून को पता है, तो वो नहीं रखेंगे। हमारी सरकार को, हमारे कानून को, हमारी अवाम को ये बोल के डराती है कि मेरे को वहाँ भेजोगे तो मेरा जो भी मेरा होगा ना अंजाम, उसके आप गुनहगार होगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है, फिर भी आपने मुझे भेजा है वहाँ पर, तो आप गुनहगार होंगे। हमारी सरकार क्यों कानून होएगा, कोठे वाली मुजरे धंधेबाज, हमारी सरकार या कानून से पूछ के एंट्री ली थी क्या तुम्हें भारत में? जो हमारी सरकार वो करेगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये बोलते ना मेरी जान को खतरा है, इसको जेल में रखेंगे। इमोशनल ब्लैकमेल, समझे ना, इमोशनल ब्लैकमेल से बोलते हैं। इसीलिए वो 4 बच्चों को भी इसीलिए लाइए कि 4 बच्चों के वजह से वो हमेशा सेफ गार्ड रहे, सेफ गेम खेले, ठीक है, यही बात है और कुछ नहीं है। उसको प्यार ममता इसका होना जाना कुछ नहीं है दी, इसका कुछ होना जाना नहीं है, चाहे कोई कितना बोखले, कितना कुछ कर ले, इसका होना जाना कुछ नहीं है, ये वैसी रहेगी जैसी है, वैसी रहेगी। बस अभी बोलते अभी त्योहार के सीजन शुरू हो गए ना, बस त्योहार की वजह से कपड़े मंगा रही है। और उस दिन पता है सुनीता 6-7 जोड़ी और कपड़े लेके आया ना, लप्पू ने उसके लिए ये मंगाई थी ना कि मेरे लिए कपड़े लेके आने, तो मैं तुमसे भूख हड़ताल करूंगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो लेके आया ना वो कपड़े। फिर कल उसने ऑनलाइन एक सूट मंगाई और तभी पहन ली और उसी कपड़े में वो रील बनाई है बबीता के साथ कि मैं आवाज दी तो चली आई करके। अरे बहन मेरी अभी लाइफ पे क्यों नहीं आते, अभी रात को मर्द आते ना इसके लिए, नए नए सूट पहन के बैठती है, हर रात सजती है ना, आप भी समझा करो ना थोड़ी बातों को। अब लाइफ पे आती थी, अभी लाइफ पे इसको जूते पढ़ने लगे, चप्पल जूते आते इसको गाली आते, तो अभी ये दरवाजा खोल के रखना। मैं वो एक गाना है ना, छत पे सोया था बहन में तन्ने समझ के सो गई, मुझको एपी माफ करना, गलती मारे से हो गई है, एपी सिंह को समझ के किसी के पास सोते फिर वो गाना गाती है। अब इनका वो धंधा चालू है, और सुनीता उसका धंधा लाइफ पे आने से बंद हो गया ना, जैसे लाइफ आती थी तो लाइफ सुपर थैंक्स मिलते ना, 200 रुपया पिक मिलती, 100 रुपया पिक मिलती, वो भी नहीं मिल रहा अभी इसको, तो वो अलग अलग तरीके पीछे दरवाजे से अभी मेहमान लोग आ रहे। मैंने आपको दी क्या बोला था, लप्पू काम पे नहीं जा रहा, ये यारों की एक किताब लेके जाते, सबके फोन नंबर लिख के लाते, सबकी एंट्री करा के लाते, टाइम लिख के आता है, भाई तू 1 घंटे के लिए आना, तू 1 घंटे के बाद आना, तू आधे घंटे के बाद, दिन में तो मतलब 10 जन, रात को 10 जन आएंगे भाई, तो 10 जन का भी तो वो बोलते ना मेरी तबीयत खराब होती, तबीयत भी इसकी इसलिए खराब होती है भाई, रात को जो इतनी मेहनत करती है वो। हाँ इतनी अच्छी गंदी औरत धंधेबाज, जन्नत जैसी जिंदगी तेरी पाकिस्तान में थी, भरी थाली को लात मार के तू इस गंदे इंसान के पास आई, क्या पाई तू आके भारत में भी, बेइज्जती के सिवाय, गालियों के सिवाय तू कुछ नहीं पा रही है, और आगे तुझे कुछ मिलेगा भी ना, तो भारत की नागरिकता मिलेगी ना तुझे कुछ मिलेगा, अपनी भी जिंदगी खराब की, बच्चों की भी जिंदगी खराब की तूने। सब्सक्राइब कर दे, नहीं इसने तो डी इसने तो सोचा हो जैसे मैं पाकिस्तान में ठुमके मारती थी, भारत के लोग भी पागल हो जाएंगे, ये तो मैं वैसी फिरेगी। और भाई गलत तो इसके साथ एपी सिंह ने, दगड़दल्ले ने और लप्पू ने भी किया, ये लोग ने इसको ये चीज नहीं बताई कि देख भारत का कानून ऐसा है, क्या पता तुझे रखेगा कि नहीं रखेगा, पर इन्होंने इस औरत को फंसा के बुलाना था, बुला लिया, और ये भगोड़ी भकेल कुतिया थी, इनकी बातों में आके आ गई अपने देश में। अरे तुझे आना था, तू वहीं से इंक्वायरी निकाल लेती, भाई मैं भारत जा रही हूँ, कभी ऐसा कुछ मुसीबत ना खड़ी हो जाए।